大呗。大呗。मानसूनी बारिश के लिए कई राज्य भले ही तरस रहे हो, लेकिन उत्तराखंड में बारिश जानलेवा और बर्बादी का कारण बन गई है। उत्तराखंड में फिर चमोली जिले में रात विकासखंड थराली के दूरस्थ क्षेत्र में बादल फटने से प्राणमती नदी उफान पर बहने लगी, जिसके चलते दो मोटर पुलिया, एक झूला पुल के साथ ही थराली सूना गाँव को जोड़ने वाले तीन पुल बह गए। इसके साथ ही गाँव के लोगों की आवाजाही ठप हो गई है। रुद्रप्रयाग से भी बड़ी खबर सामने आ रही, यहां रात के समय केदारनाथ पैदल मार्ग पर लिंचौली में गदेरा उफान पर आने से टेंट में रह रहे एक नेपाली व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अभी भी एक लापता है। वहीं पौड़ी गढ़वाल की यमकेश्वर प्रखंड में मोहनचड्डी जोगियाणा के पास भारी मलबा आने से एक रिजॉर्ट के ऊपर गिर गया। रिजॉर्ट नाइट इन पैराडाइज में ठहरे परिवार के 6 सदस्य मलबे की चपेट में आकर दब गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे ने बताया कि एक 10 वर्षीय बच्ची कृतिका वर्मा को रेस्क्यू कर लिया गया और मलबे में दबे बाकी लोगों में कमल वर्मा, उसकी पत्नी निशा, बेटा निर्मित और इनके साथ ही मोंटी वर्मा एक अन्य व्यक्ति शामिल है। ये सभी हरियाणा के रहने वाले हैं। इतनी बड़ी घटना को लेकर स्थानीय लोग और प्रशासन की टीमें राहत बचाव में जुटी हैं। वहीं दूसरी तरफ पौड़ी में ही एक कार नदी में बहने की सूचना है, जिसमें कई लोग सवार बताए जा रहे थे। इधर देहरादून से भी भयावह तस्वीरें सामने आई। यहां नदी में उफान आने से एक डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग पूरी तरह से धराशायी हो गई। नदी किनारे बने इस कॉलेज में तो गनीमत ये रही कि कोई छात्र इस वक्त मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इसका भयावह वीडियो भी आप देख सकते हैं। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बारिश से बिगड़ते हालातों को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों और वहां किए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने इंटरनेट मीडिया में पोस्ट कर कहा, पौड़ी जिले में अतिवृष्टि के कारण कई व्यक्तियों के हताहत होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से दिवंगत की आत्माओं को अपने शीर्ष चरणों में स्थान देने एवं शोकाकुल स्वजनों को कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। उन्होंने स्थिति को देखते हुए 2 दिनों के लिए चार धाम यात्रा स्थगित कर दी। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि मौसम के अनुरूप ही यात्रा करें। बैठक के दौरान भारी बारिश के दृष्टिगत सभी अधिकारियों, SDRF की टीमों एवं राहत एवं बचाव कार्य में लगे सभी दलों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रदेश में अत्यधिक बारिश से उत्पन्न हर परिस्थिति की स्वयं मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं।